रही है। चलिए अगले दर्शक को शामिल कर लेते हैं। रायपुर से लोकेश जी हैं हमारे साथ। लोकेश जी नमस्कार। पूजा मैडम जी, क्या सवाल है आपका सर, पूछिए। पूजा मैडम, आपकी आवाज सुनकर मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा ये सुन के, क्योंकि सुबह से सब अनिल जी से ही बात कर रहे हैं। आपको भी जरूर बात करनी होगी, लेकिन आपने ये जो बोला है मुझे, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एक्चुअली पूजा मैडम, मैंने सुन लिया था की आपने कहा की मुझसे तो कोई बात करना नहीं चाहता, इसलिए मैंने सबसे पहले आपको बधाई देना। मैडम, मुझे आपसे बात करके मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। दीप्ती जी एवं पूरे स्टाफ एमजीबी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आपकी आगे हो तब मैं 2 मिनट अनिल सर से ही बात करना चाहूंगा। जी, पूछिए पूछिए, जरूर बोलिए। अरे सर, हम तो सफेद चादर तान के 2 महीने से ओढ़ के सो गए थे। और अभी गौरांग सर ने आपके लिए कुछ बोला सर, अगर आपकी इजाजत हो तो सर मैं 15 सेकंड में आपके लिए कुछ बोलना चाहूंगा। बोलिए बोलिए बोलिए। आकर हमारी कब्र में तूने जो मुस्कुरा दिया, बिजली आकर हमारी कब्र में, आप तो उठना पड़ेगा। एक मिनट, आकर हमारी कब्र में तूने जो मुस्कुरा दिया। हाँ जी, हाँ जी, आपके दूसरे कब्र में तूने जो मुस्कुरा दिया। अब 2 महीने सर आप गायब थे, अब 2 महीने सर क्या करें समझ में नहीं आ रहा, ज्यादा ही ओढ़ ली थी हमने जी। आकर हमारी कब्र में तूने जो मुस्कुरा दिया, बिजली चमक कर गिर पड़ी, सारा कफन जला दिया, और अब उठना पड़ेगा हमको। वाह वाह, क्या बात है। अच्छा एक चीज बताओ, आप रायपुर से है? सर एक्चुअली मैं रायपुर के बाजू में दुर्ग शहर से हूं। हां, तो मैं आपको एक चीज बताऊं। हाँ जी, हाँ जी, आपके लिए बड़ा आसान काम है मार्केट में वेल्थ बनाना, क्योंकि रायपुर ने 2 ऐसे हीरे दिए स्टॉक मार्केट को, एक रामदेव अग्रवाल सर और दूसरे मधु केला सर, दोनों रायपुर से, जिनसे आज सुबह हमने बात की, और दोनों का मैं बहुत सम्मान करता हूं। तो लोकेश जी, कभी ऐसा मौका दे मुझे कि मैं आपका इंटरव्यू करूं, इतना बड़ा आदमी आप बने, ये मेरी शुभकामनाएं आपके लिए। सर मेरी दिली तमन्ना है कि मैं आपसे मिलूं, गौरांग सर से मिलूं, सुमित सर से मिलूं, मेरी बड़ी दिली तमन्ना है सर बात के लिए। चलिए अब आपका सवाल लिया जाए। हाँ जी, हाँ जी, पूजा मैम एक सवाल है मेरा। मैंने एबी कैपिटल लिया हुआ है 184 के रेट में, तो आप गौरांग सर से चाहे राय दिलवा दे, चाहे आप दे मुझे, मुझसे क्या करना चाहिए मुझे जरा जानना है। चलिए गौरांग से ही राय दिलवा देते हैं आपको। गौरांग जी, आपसे जानना चाह रहे हैं आदित्य बिरला कैपिटल में क्या करेंगे इस वक्त। पूजा जी, मैं चाहता हूँ कि आप इसका जवाब दें। अच्छा मैं एक मिनट, आप दोनों ने जो टेबल टेनिस खेल रहे, मैं जवाब देता हूँ। लोकेश जी, इस स्टॉक को 5 साल के लिए भूल जाइए। ओके सर, ठीक है। और एक और प्रण ले लीजिए, जब तक ये स्टॉक 4-5 गुना ना हो। हाँ जी सर, तब तक मैं नहीं बेचूंगा, ये सोच लीजिए। सर मेरे पास 600 है ये। 600 हो चाहे 6000 हो चाहे 6 शेयर हो, मेरी राय तो सेम रहने वाली। तो मेरी राय नंबर ऑफ शेयर से नहीं बदलती कि क्वांटिटी कितनी कम ज्यादा, बेहतरीन शेयर है, बेहतरीन कंपनी है। एक ही दिक्कत है जिसकी वजह से ये नहीं चल रहा है, वो ये थोड़े से वैल्यूएशन महंगे हैं आज को देखते हुए। लेकिन अगर आपका 3 से 5 साल का व्यू है, आदित्य बिरला ग्रुप की कंपनी, इस कंपनी में अभी भी इतनी सारी एसेट्स हैं, इतने अलग अलग तरह के कारोबार हैं जिनको अलग अलग डीमर्जर किया जाए, जैसे रिलायंस कैपिटल ने अपने इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस, ये म्यूचुअल फंड सबको अलग अलग किया है, वैसा आदित्य बिरला कैपिटल किसी दिन करने गया। और कभी मुझे मौका मिला कुमार मंगलम बिरला साहब का इंटरव्यू करने का, उनसे जरूर पूछूंगा कि वो कब करेंगे। इस स्टॉक में जो वैल्यू बनेगी, और मैं बहुत पॉजिटिव हूँ, बिरला ग्रुप बहुत बढ़िया काम कर रहा है फाइनेंशियल सर्विसेज में, अजय श्रीनिवासन जो उनके हेड हैं, बहुत ही बेहतरीन वो MD हैं। इस स्टॉक को आप अपने पोर्टफोलियो में 5 साल के लिए रख के भूल जाइए, आप मुझे याद करें। सर आपने कहा मैं सिर्फ स्टॉक को भूल गया सर। तो आपको अभी गौरांग से राय चाहिए। मेरे लिए तो जी बिजनेस का पूरा परिवार एक है मैडम, मैं तो जी, अपना जी, अपने आप को जी बिजनेस का हिस्सा समझता हूँ। बहुत बढ़िया, थैंक यू। अगर आप मुझे मैडम 15 सेकंड और दे तो एक छोटा सा सवाल और पूछना चाहूंगा। बिल्कुल, आप पूछिए। मैंने यूनियन बैंक खरीद लिया मैडम 150 रुपए। यूनियन बैंक खरीद लिया, मुझे दिलवा दीजिए गौरांग सर से या सुमित सर से, जिनसे भी आप। यूनियन बैंक आपने 150 रुपए पे खरीद लिया है? जी जी जी। बताइए गौरांग सर, गौरांग आप बताइए, और मुझे मेरे ऊपर टॉस मत करिएगा, आप ही से सवाल है। नहीं नहीं, मैं उन्हें बचाने के लिए आप चिंता क्यों कर रही हैं। नहीं 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 नहीं, मैं जवाब देता हूँ इसका। तो यूनियन बैंक सरकारी बैंकों में से जिस तरीके से कांड सामने आया, तो एक समय पर करीबन 150 रुपए कर भी हुआ करता था, 200 का भाव चल रहा था। अब ये कांड हुआ, आपका निवेश 150 पर, अगर आपके पास निवेश लायक पूंजी है तो मैं आपको राय दूंगा कि यहाँ पर पूरी क्वांटिटी ही आधी क्वांटिटी एवरेज करें, और अगर और नीचे जाता है करीबन 90-95 के आसपास, तो उस समय पर और चाहे तो आप और ऐड कर सकते हैं। लेकिन एक बात बहुत ही स्पष्ट रूप से मैं आपको बताना चाहूंगा लोकेश जी, के आने वाले 2 तिमाही या फिर 3 तिमाही जो नतीजे होंगे सरकारी बैंक के और कुछ चुनिंदा निजी क्षेत्र के बैंक के, वो काफी दर्द भरे होंगे, कुछ भयानक होंगे, जिसके कारण दबाव बना रह सकता है। लेकिन मैं ये बिल्कुल मानता हूं कि तीसरी और चौथी तिमाही
इस वित्तीय साल की बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर के आएगी, और हमने हमारा लक्ष्य मुकम्मल रखा करीबन 185 के आसपास, और अगर परिवर्तन हमारी उम्मीद से बेहतर हुआ और रिकवरीज बेहतर हो गई तो ये लक्ष्य ऊपर की तरफ हम बढ़ाएंगे। तो एवरेज करें इस स्तर पर थोड़ी बहुत क्वांटिटी, और अगर 95 या 90 के आसपास आता है फिर से तो और भी एवरेज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये राय आपको दे दी गई है यूनियन बैंक पे। अगले दर्शक हैं शिवाशीष जी हमारे साथ। श्री नमस्कार। हेलो हेलो, मैं बी न्यूज को करोड़ों बधाई दे रहा हूँ जो हमारे एक रिलेटिव को फिर वापस ले आए। और धन्यवाद धन्यवाद सर। मैं कलकत्ता हावड़ा से बोल रहा हूँ जी। मेरे दो लड़का MBA करने चले गए थे तो मैं घर में अकेला था, तो अनिल जी को देखते हुए टाइम ऐसे बीत जाता रहा जो मैं सोच भी नहीं सकते थे। और मेरे लड़के के MBA कंप्लीट भी हुए, वो अभी IBM में लिए हैं, तो कलकत्ता नहीं। और लड़का आया तो हमको मैंने दो साल, मेरा और एक लड़का है वो JBR भुवनेश्वर में MBA कर रहा है, तो हम मेरा जुड़वा लड़का है। और जिंदगी में हम कभी लड़का लोग को छोड़ के कभी नहीं रहते थे, तो दो साल मेरा जो कैसे बीता है मैं जानता हूँ। और अनिल सिंह जी जब नहीं थे तो मैं भगवान को रोज प्रार्थना करता था, जो रास्ते में कोई एक्सीडेंट उक्सीडेंट नहीं हो गया था, मेरा यही चिंता था। और शेयर में मेरा तो हसरत मेहता का, हम थोड़ा बुजुर्ग आदमी है उनसे, तो हसरत मेहता का टाइम में मेरा बहुत पैसा डूब गया था। और हम लोग का एक तो बात है जो जब शेयर में दाम बढ़ता है उसी टाइम में हम लोग खरीदते हैं। तो अनिल सिंह जी का वो जो मेरा लड़का ही हमको बोला था जो आप पिताजी तो शेयर में इन्वेस्ट कीजिए, कुछ पैसा, घर में अकेला रहते हैं। तो हम उसका बात घर में जब रहते थे तो अनिल सिंह जी का बात सुनते सुनते बीते साल में कम से कम 3,74,000 रुपया कमाए हैं। और जो ये है वो शिवाशीष जी, जी आपने जो जो कमाई बोल रहे हैं जो अनिल सिंह जी नहीं रहते तो शायद हम लोग का ये जो दो महीना जो कैसे कटा है हम लोग खोजते खोजते पागल हो गया। तो लड़का हमको बाद में बोल रहा है जो इंटरनेट पे देख रहे हैं कोई खबर नहीं है, खाली उनका ये लग रहा है। तो हमको लग रहा था कोई दूसरा आदमी उनका फेसबुक चला रहा है। जैसा कि क्या हुआ जी, बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू शिवाशीष जी, आपने पैसा कमाया वो अच्छी बात है, लेकिन मेरी कमाई तो यही है कि आप इतना प्यार करते हैं। अगर पूजा, मैं टीवी पर नहीं हूं और ये लोग सोचते हैं कि कहीं अनिल जी को कुछ हो तो नहीं गया, ये बहुत बड़ी बात है। मैं वही बोल रही थी जब शो की शुरुआत हुई, इतना इमोशनल मोमेंट क्रिएट हो रहा है, एक्चुअली मुझे समझ में नहीं आ रहा आप इस चीज को, मुझे तो बड़ा अच्छा लग रहा है। आप क्या हुआ ये चीज बताऊं मैं आपको, आज का जमाना ऐसा है अगर कोई आदमी मर भी जाए ना तो लोग 12 दिनों बाद फैमिली मेंबर्स भूल जाते हैं, दोस्त लोग भूल जाते हैं कि ठीक है यार 12वां हो गया 13वां हो गया। अगर 12 हफ्ते बाद लोग मुझे इतना याद करते हैं, इतना प्यार करते हैं, मेरे पास शब्द नहीं है, मैं कैसे धन्यवाद करूँ। मतलब आशीष जी, आप मैं सोच नहीं सकता था कि लोग इतना प्यार कर सकते हैं। वेरी टचिंग मोमेंट, क्योंकि बड़े लोग आते हैं, बड़े लोग तारीफ करके जाते हैं, ठीक है वो एक प्रोफेशनल रिलेशनशिप होती है, लेकिन आज शिवाशीष जी कौन है, कहाँ से हैं, मैं तो नहीं जानता, लेकिन अगर वो दो बेटों के बराबर मुझे रखते हैं और वो जगह अपने दिल में रहते हैं तो मेरे लिए इससे बड़ी कमाई कोई नहीं हो सकती जिंदगी में। क्रेडिबिलिटी है आपकी सर, और इसी वजह से देखिए दर्शक आपको इतना प्यार कर रहे हैं। शिव जी, काफी इमोशनल माहौल कर दिया आपने, आप क्या जानना चाह रहे हैं? चलिए, आपने फोन जिसके लिए किया था, कौन सा स्टॉक आके बस वो सवाल पूछिए। हाँ, मेरा तो सवाल है अवंती फीड्स में मैंने लिया है, 164 शेयर लिए हैं जी, और 2580 में वो दाम क्या मिलेगा वापस, नहीं तो हम लॉस तो नहीं रखे थे। चलिए, आपको राकेश से राय दिलवा देते हैं क्योंकि आपका सवाल सुन के लग रहा है ट्रेडिंग पर्पस से लिए आपने। राकेश, क्या सजेस्ट करेंगे? देखिए, मैं इनको राय दूंगा पूजा की, अवंती फीड्स इनको होल्ड करना चाहिए, इन्होंने थोड़ा सा ऊंचे दामों का खरीदा है स्टॉक को, और उसके बाद कुछ यहाँ पे कॉर्पोरेट डेवलपमेंट्स भी हुई हैं, बट टेक्निकली मुझे लगता है स्टॉक में मौजूदा स्तरों से डाउनसाइड कैप्ड है। 2100 एक काफी बड़ा बेस है, और मैं इनको राय दूंगा कि घबराएं नहीं और साल 1.5 साल का नजरिया बना के यहाँ पे 3000 के लक्ष्य के लिए होल्ड करें इसको। ओके, चलिए शिवाशीष जी, आपको जवाब मिल गया है अवंती फीड्स पर। थैंक यू चलिए, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग सर। एंड द बात चल